जो आज से शुरू होगा और संडे तक चलेगा, 28 तक। और हम चाहेंगे भैया आप इस कार्यशाला और क्लास को आगे बढ़ाएं, और जितने भी हमारे दर्शक जुड़ेंगे, जैसे मॉर्निंग सेशन में जूम में है और शाम को फेसबुक लाइव होगा, और बहुत बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि आपके आपसे शिक्षा ग्रहण करें, क्योंकि आपने हिंदुस्तान में बहुत जगह आपने वर्कशॉप लिए है और बच्चे को बहुत अच्छे से सिखाया है आपने, और कई लोगों का फोन भी आ रहा है कि आपसे क्लास के लिए अटेंड करने के लिए बिल्कुल बेचैन है। तो आपसे आग्रह करते हैं भैया आप क्लास शुरू करें, और आपके साथ जितने भी सहयोगी कलाकार हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज इस पास आप लोग 5 दिन के लिए आज हमारे साथ जुड़े रहेंगे और हमारे बच्चे को सिखाते रहेंगे, और भैया आपसे अनुरोध करते हैं आप इस क्लास को कृपया आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। नमस्कार। इस कोरोना दो संकट की घड़ी में संगीत नाटक अकादमी, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और छऊ केंद्र चंदन किया कि तत्वावधान में ये आयोजित दीक्षा यानी कि शिक्षा की सीरीज में आप सभी का मैं स्वागत है। मैं अपनी विधा को किस तरह से सीखा और मैं अपनी विधा को किस तरह से बच्चों को सिखाता हूं ये मैं 5 दिन के अंदर में आपको बताऊंगा। तो आज शुरुआत की जो सेशन है, इस सेशन में मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले चलता हूं, क्योंकि अगर मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड दे दूंगा तो इजी होगा आपको समझने के लिए और आगे चलने के लिए। पहले देखा गया है क्या, मैं देखा हूं जो भी सीखा हूं उसी तरह से, पहले हमारे छात्र निर्देश में केवल गुरु लोग थ्रू प्रिलिमिनरी आइटम्स सिखा आइटम थी। जब आप सीखने के जाते थे, जब कई दिन मतलब आता था तो उससे पहले जब इसका इंटरनेट ठीक है कि जितने बच्चे हैं ये जो कर रहे हैं तुम देखिए साथ करो, और वो प्रिलिमिनरी आइटम्स था। हम उसी तरह से चला, हम तक उसी तरह से चला, और जिस तरह से अपने आप में गुरु की शिक्षा थी अपनी, गुरु जिस ढंग से हमको शिक्षा दे रहे थे, मैंने पहला गुरु मेरे पिताजी, बचपन से मैं घर में देख सीखा हूँ, उसके बाद नक्षत्र बनगई घटना से सीखा, उसके बाद केदारनाथ साहू जी सीखा, विक्रम सिंघार सीखा, और लास्ट में राजा के बेटे सुधीर नाथ सिंह आखिरी गुरु। इन पांचों गुरुओं की शिक्षा पद्धति को लेकर जब मैं संपूर्ण शिक्षा प्राप्त खत्म कर लिया, मतलब संपूर्ण तो कोई होता नहीं जिंदगी में, इनके पास जितना सीखना था, मैंने सीखने के बाद जब मैं अपने आप में काम करने की कोशिश करा तो मेरे दिमाग में आया कि मैं सरायकला में तो काम नहीं करूंगा, मैं बाहर काम करूंगा, तो मैं एक बच्चे को किस तरह से सिखाऊंगा। तो सबसे पहले मुझे वो पहली बार फेलोशिप मिला जिसमें मैंने किया कि टीचिंग मेथोडोलॉजी इन सरायकला छो, ये सब्जेक्ट के ऊपर मैंने अपना रिसर्च वर्क काम किया। उन दिनों मैंने कह दिया कि जितने गुरुओं की जो शिक्षा पद्धति थी उनको मिलाकर मैंने अपनी टीचिंग की एक लाइन, एक टीचिंग की मेथोडोलॉजी मैंने खुद तैयार करी, और वो रिसर्च के दौरान सारे गुरुओं की टीचिंग मेथोडोलॉजी को समावेश कर कर एक मेथोडोलॉजी मैंने बनाया जिसके मैं आज तक पिछले 25 वर्षों से बच्चों को उसी ढंग से सिखाते आ रहा हूं। सबसे पहले मैंने उस टीचिंग मेथोडोलॉजी को अपने शरीर पर खुद महसूस किया, किस तरह से करूंगा, कैसा होगा, एक के बाद दो के बाद तीन, क्रोनोलॉजी में लाया, एक पद्धति बनाई। तो क्या होता था कि जब हम गुरुओं के पास सीखते थे तो आइटम्स को सीखते, लेकिन केदारनाथ साहू जी के पास सीखने के लिए गया इसके बाद, तो केदारनाथ साहू जी ने मुझे सबसे पहले चंद्रमा का सूर्य सिखाया। मुझे समझ में आ गया कि मैं ठीक है, मैं इतना सीखा हूं,
मैं टेक्निक क्या सिखाऊं क्या, उन्होंने कुछ नहीं पूछा। उन्होंने कहा तुम लंबे चौड़े हो, तुम्हारा बॉडी सही है, तुम सूर्य का काम करो। मैंने उसको पढ़ा और मैं डांस सीख गया, चंद्रमा सीख गया। उन दौरान मैंने केदारनाथ स्वामी जी के जो शिक्षा पद्धति में मैंने देखा कि गुरु जी कभी कभी फरीखंडा की बात करते, तो जब फरीखंडा की बात करते थे तो फरीखंडा के जो गुरु जी थे हमारे यहाँ वो थे विक्रम, जिनको संगीत नाटक अकादमी का अवार्ड मिला। और उनसे मैंने एक साल अपने घर में रहकर उस गुरु जी को फरीखंडा के सारे चीजों को सीखा। उसके बाद मैंने यह सोचा और मैंने देखा कि जब मैंने क्रोनोलॉजी लगाया तो सबसे पहले मैंने देखा कि सबसे पहले एक स्टूडेंट सिखाने के लिए सबसे पहले मुझे उसका शरीर पर ध्यान देना। शरीर पर अगर मैं ध्यान नहीं दूंगा तो आंगिक शुद्धि नहीं होगा, बॉडी ओपन नहीं होगा, उसको अच्छा बैलेंस नहीं मिलेगा, उसका इनर स्ट्रेंथ नहीं बढ़ेगा। तो मैंने एक्सरसाइज के रूप में हमारे टेक्निक के अंदर की चीजों को लेकर मैंने वन बाय वन करना शुरू किया। हर नृत्य को प्रेजेंट करने के लिए, प्रस्तुत करने के लिए एक तरीका होता है, एक मार्गम होती है। तो उस मार्गम को भी बनाने की मैंने कोशिश करी और मैंने सबसे पहले शुरुआत में, जैसे हमारे यहाँ प्रैक्टिस करने से पहले, प्रोग्राम करने से पहले भगवान आराधना की जाती है और आराधना के बाद हम डांस करते हैं, उसी तरह हमारे यहाँ ऑलरेडी ट्रेडिशनल में जात्रा घट नाम की चीज थी। उस जात्रा घट को हम शुरुआत में बजाना शुरू करते, मंगला हो गया। तो लीजिए सबसे पहले यात्रा घर, यानी कि शुरुआत करने से पहले भगवान के और प्रार्थना करके हाथ जोड़कर डांसर खड़े होते हैं, म्यूजिक बजती है और उस म्यूजिक में रिदम बजती है, हम सब हाथ जोड़कर यात्रा घर। साधक है
म्यूजिक डांस ये सब साधना करनी पड़ती है। साधक बन के साधना करने से पहले अपने को शुद्ध करना पड़ता है, तब जाके कहीं सिद्धि की प्राप्ति होती है। तो मैंने क्या सोचा कि जब शरीर छऊ को माना जाता है कि छऊ बेस्ड ऑन आंगिका अभिनय, और आंगिक अभिनय को तैयार करने के लिए शरीर को चलाना जरूरी है। शरीर की अंग प्रत्यंग उपांग जितनी है उन सबको जागृत करना पड़ता है, और जब जागृत करना पड़ता है तभी जाके तो शरीर चलने लगता है। जब शरीर चलने लगता है तब मन स्थिर होता है और मन चलने लगता है, तब कहीं दोनों की सम्मिश्रण से नृत्य होता है। तो मेरा मानना है कि ये डांस जो है ये मन और शरीर इन दोनों की सम्मिश्रण में, ये दोनों के बीच में एक खेल है, जिस खेल को अगर इंसान समझ जाए या बच्चे समझ जाए तो उनके लिए डांस इजी हो जाता है। तो मैं स्टार्ट करता हूं। एक्सरसाइज किस तरह से होता है, किस तरह से अलग अलग एक्सरसाइज में अलग अलग शरीर की अलग अलग अंगों को ली जाती है, और जिसे हम मिट्टी पर अखाड़ा बोलते हैं उसको हम मिट्टी पर मानते थे, उस मिट्टी पर इसको कराया जाता है ताकि पैरों की ग्रिप, पैरों को पकड़ने की ताकत मिले हमको, और शरीर भी खुले, स्टेमिना भी बढ़े, और फ्लेक्सिबिलिटी हो और बैलेंस हो। तो सबसे पहले नमस्कार, और नमस्कार में सबसे पहले मैं बता दूं कि ये है धरान की पोजीशन, और इस धरान से ये खुलने के बाद ये हुआ ठाणी, और ठाणी के बाद फिर आगे वाला चल, फिर जाके सभा प्रणाम ऑडियंस के लिए, गुरु प्रणाम, भूमि प्रणाम, इष्ट देव प्रणाम, नमस्कार, सभा प्रणाम, गुरु प्रणाम, भूमि प्रणाम जिसके अंदर नमस्ते, और इष्ट देव जो हमारे भगवान। इस प्रणाम के बाद शरीर को किस तरह से गठन की जाएगी, यानी कि शरीर को किस तरह डांस के योग्य बनाई जाएगी, उसका कुछ व्यायाम है जो व्यायाम को मैं आपको दिखा रहा हूं। एक नंबर, तो इस चौक में इस तरह से बैठने से ये मांसपेशी, ये अंतरिक्ष और ये मांसपेशी ये स्ट्रॉन्ग होती है, क्योंकि अगर हम ऐसे बैठेंगे तो कितने देर तक हम बैठ सकते, क्योंकि डांस में आपको छऊ सीधी डांस नहीं है, हमेशा नीचे है, आधे पर आप डांस भी जाके देखेंगे टेक्निक भी यही है। तो इस तरह से हम कम से कम अभी तक चार बार दिखाएंगे, इसको चार बार डबल करेंगे, आठ बार सिंगल करना पड़ता है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका पैर मजबूत होता जाएगा।
नीचे तक की जितनी मसल्स है वो मसल्स खुलेगी और स्ट्रेंथ उसमें ताकत सीधा 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 करो गुरु बढ़ सीधा करो के बाद एक पैर दूसरी पैर को उठाकर पूरे बॉडी को बैलेंस करकर पूरी एक सर्कल करकर उसको करने का एजेंट पूरी बॉडी को एक पैर में तोड़ने का इसके मन और शरीर अगर नहीं है तो ये बैलेंस मिलना होगा तो मन और शरीर को इकट्ठे कर कर इस बैलेंस को वन टू थ्री गो Thank you.
बार पूरा घुमाकर रुक कर वापस लेके पूरा करके छूट कर और फिर जाके घुमाकर और उसको रखना होता है। बार बार जितने लोग करेंगे हर बार जब करेंगे तभी जाके शरीर और मन और ये कंट्रोल, और जब शरीर और मन कंट्रोल हो जाएगा तो ऑटोमेटिक आपको ये मूवमेंट, और आप देखते जाइए कि हर बॉडी का हर पार्ट के लिए एक एक मूवमेंट। अब स्टेमिना को बढ़ाने के लिए हमारे टेक्निक में उपने में दो चीज थी, एक था बढ़ाने का, एक था बांटने का। पीछे वाला पैर मूवमेंट का छोटा उसको कहते बढ़ाने, और आगे वाला पैर चेस्ट पे टच होगा उसको कहते हैं बांटने का। जंप के बाद ऑटोमेटिक जब आप 8 बार स्लो में करेंगे, 16 बार फास्ट में करेंगे, 1 दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, 3 दिन करेंगे, 4 दिन करेंगे, 5 दिन करेंगे, आपके सांस की कंट्रोल ऑटोमेटिक हो जाएगी और बॉडी की एक लाइन बनेगी सीधी स्ट्रेट। क्योंकि डांसर के लिए ढीला बॉडी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे ट्रेडिशन में कहा जाता है कमर बंद बांधने के बाद कमर को कसना, कमर को कैसे कसना, मतलब कमर को कमर हमारे रखी कि नाचू, मतलब कि बॉडी में एक बार इसको बांध दिया कमर बंद को तो बॉडी अपने आप में स्ट्रेट है। लेकिन जहां हमको चलाना पड़ता है, मूवमेंट हमको बदलना है, वो मूवमेंट बदलेगी, लेकिन बॉडी में या कमर में कोष रखी कि नाचवा या कोष रखना मतलब एक सीधा। डांसर हमेशा अपना चेस्ट फ्रंट में रख के डांस करता है। हाँ, वो अलग चीज है कि कभी हमको डांस करने में अंदर करना होता है तो एक अलग चीज है, लेकिन हमेशा हमारा चेस्ट आगे रहेगा। इसके बाद हमारे ही टेक्निक में से हमें एक उसको करके हम लोग बाघ रापड़ा यानी टाइगर स्ट्रेच। जब बाघ ड्राइविंग जो स्क्रेचिंग करता है उसके पैर को लेके और इस जॉइंट को खोलने का काम किया है। कैसे? सारे ताकतों का खेल। 6 मिनट में अगर आप ताकत नहीं लगाएंगे
तो इन ताकतों की बहुत मुसीबत है, ताकत अर्जित करना पड़ेगा और स्ट्रेंथेबल करना पड़ेगा। अगर स्ट्रेंथ नहीं मिलेगा तो स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए ये जितनी एक्सरसाइज है जंप ये करिए। इसके बाद एक हमारे भी टेक्निक में से उफली में से दिया है, तो कहते हैं अंक मुड़ा। अंक मुड़ा का काम क्या है, नीचे से आप पूरी ऊपर तक देखेंगे जितने साइड है सीनरी, पहले पैर को स्ट्रेंथ अप करना है, नी को करना है, हाई को करना है, अब कमर का काम कैसे अंक मुड़ा। शरीर को ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप फिजिकली फिट हो गए तो कोरोना भी नहीं आएगा,
लेकिन आपका फ्यूचर नहीं है। अगर आपका इनर स्ट्रेंथ मजबूत है आप हर चीज को कर सकते हो। तो डांस मत करो, लेकिन अपने शरीर को तो ठीक रखो पहले। तो लेकिन इसके बाद चेस्ट का और शोल्डर का मैंने इशारा करो जल्दी करो। One, two, three, go. दूसरी सर्कल 16 में, तीसरी सर्कल
आठवें चौथी सर्कल आठवें पांच चार में छह चार में दो 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 चलो छुटिया क्या है पीछे का राज दबाओ नहीं पीछे दबाओ वन टू पांच हजार का वर्ड है बैलेंस नहीं हो दूने करो उसका नीचे स्टार्ट वन टू थ्री गो नेक मूवमेंट क्योंकि मुखौटे पहनते हैं और मुखौटे पहनने के बाद गर्दन को चलाना बहुत जरूरी है ग्रीवा भेदा चलाता है तब मुखौटे को चलाता है अगर ग्रीवा भेद नहीं आता है तो मुखौटे को बोलना शारीरिक अंग भंगिमा और ग्रीवा भेद से मुखौटा एक्सप्रेस करता है और मूवमेंट तो है उस मूवमेंट तो शुरुआत से ही मुखौटे को देखते हुए ध्यान करते हुए एक्सरसाइज को भी मैंने क्रोनोलॉजी में बैठाया है तो लीजिए एक्सरसाइज जो बॉडी शोल्डर और गर्दन ये तीनों इंपॉर्टेंट है एक मिनट को हाथ का बोल रहा हूँ कान का बोल रहा हूँ आओ ये बोलता है वन टू थ्री फोर Thank you.
इसका मतलब होता है कि ध्यान में पैर रखने के बाद अगर आप ऐसे सीधा रखते हैं पैर तो आपको ये बैलेंस नहीं मिलेगा, इसको ऐसा रखना पड़ेगा और ये पूरी बॉडी मेरा यहाँ तक जाएगी, यहाँ से उठेगी और ये बॉडी से जाएगी। इसके बाद एक आखिरी एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज में चेस्ट का, नी का, गर्दन का जितना हमने काम किया इन सबको मिलाकर एक मूवमेंट तैयार होता है, एक बॉडी से वेव निकालनी है, एक बॉडी से लहर निकालनी है। रेडी बजे वो 1 2 3 4 हमेशा प्रैक्टिस करने से पहले हम करते हैं एक्सरसाइज को, और ऐसा नहीं कि कभी कभार करना है, डेली नाचने से पहले ये जितनी एक्सरसाइज है ये 20-22 मिनट की एक्सरसाइज है, कंटिन्यूअसली जब हम करते हैं तो 20-22 मिनट में खत्म हो जाती है, और 20-22 मिनट की एक्सरसाइज करने के बाद जाके हम कहीं टेक्निक की ओर आ गए, टेक्निक की ओर आगे बढ़ते हैं। और मैं सोचता हूं कि दोनों जो की एक्सरसाइज और हमारे गुरुओं ने जिस तरह से इंजीनियरिंग आइटम्स के थ्रू से सिखाते थे, क्योंकि केवल टेक्निक कराने से डांसर को जो लड़का सीखने आता है उसको इतना देर बांध के रखना इंटरेस्टली असंभव है, इसीलिए हमारे गुरुओं की पुरानी प्रथा को नए रूप में जागृत करने के लिए मैंने हर बच्चे को शुरुआत में प्रिलिमिनरी आइटम्स की शुरुआत करने की कोशिश करी, उसको इंटरेस्ट लगने लगा, एक एक्सरसाइज करेगा उसके बाद एक छोटा सा प्रिलिमिनरी आइटम्स करेगा तो उसको भी खुशी लगेगा कि हाँ मैंने सीखा। तो आप खा लो ना। हाँ तो मैं खा लूंगी, खत्म तो होने दो पहले। मैंने एक कैरेक्टर जो है उस करेक्टर को लेकर ये नृत्य है, ये शुद्ध नृत्य है, इसमें कोई स्टोरी लाइन नहीं है, क्योंकि केवल अंगिक अभिनय से शुद्ध नृत्य करने के लिए जितनी एक्सरसाइज हम कर रहे थे उन एक्सरसाइज के हिसाब से शरीर वो इन आइटमों से पता चलता है, इन आइटमों से पता चलता है। तो इसका जो रिजन है
पहले हम रिदम सुनते हैं और रिदम को पहले डांसर को सुनाते हैं, क्योंकि रिदम सबसे पहले डांसर को रिदम सीखना चाहिए, डांस नहीं सीखना, रिदम सीखना चाहिए। जब रिदम पहुंचेगा बॉडी में ऑटोमेटिक आपकी बॉडी चलेगा, तो क्या बचता है उसमें, 1 2 3 गो। शरीर का चलने का ढंग, ये सारे चीज इस नृत्य में हुआ। इसमें कोई स्टोरी नहीं, लेकिन बिल्कुल स्टोरी का अपने अपने ढंग से शरीर को किस तरह से चलाएगा, क्या कैसे करते, इन चीजों को ध्यान। इससे पूरे ग्रुप में 10 लोग 15 लोग 20 लोग इतने बच्चे नए आते हैं सीखने के लिए, गुरु जी जब बुलाया वो गुरु लोग उनको बोलते चलो जी नेता करो, चलो जी मदन गोपाल करो, चलो जी ये करो, किस तरह से चलता। और मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं ये गलत नहीं था, हालांकि हम ये जितनी मूवमेंट है ये सब टेक्निक में सीखते हैं। अब आगे मैं बताते जाऊंगा धीरे, टेक्निक में सीखते हैं लेकिन डांस में भी
टेक्निकल के समावेश है, तो जब ज्ञान में टेक्निक का समावेश है तो टेक्निक अगर मैं पहले सिखा दूं तो डांस करने मुझे इजी होता है। इसीलिए मैंने अपनी टीचिंग मेथोडोलॉजी में मैंने पहले एक्सरसाइज करा, उसके बाद टेक्निक करा और साथ साथ प्रिलिमिनरी आइटम्स को करने की कोशिश करी और अच्छी भी, बच्चों को कुछ भी लगा, बच्चों को अच्छा लगा कि मैं डांस सीख रहा हूँ और साथ साथ मुझे उनको टेक्निक सिखा दिया। और इसमें कोई कहानी नहीं है, इसमें पैरों का खेल है, शरीर का खेल है और किस तरह का है और छोटी छोटी छोटा जंप है, पर टेक्निक के बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व है। जब मैं टेक्निक करूंगा तो इसकी रेफरेंस बताऊंगा आपको, आगे चलकर जब परिखंड का काम करूंगा इसकी रेफरेंस बताऊंगा कि ये कौन सा चीज था जो डांस में था, पहले हम सिखाते थे और बाद में हम टेक्निक के रूप में मैंने याद की और गुरुओं से सीखने के बाद मैंने इसको क्रोनोलॉजी में लगाया गान और उस अल्फाबेट को अगर हम सीख लेते हैं तो सेंटेंस लिखेंगे, कोई तकलीफ नहीं होता है, कोई तकलीफ नहीं। तो अल्फाबेट को क्रोनोलॉजी लगाना कष्टकर था, मैंने शरीर में पहले अपने शरीर में उसको निभाया, अपने शरीर में उसको डालने की कोशिश करी और अपने शरीर में डालने के बाद फिर भी दूसरे के शरीर यानी कि मेरे स्टूडेंट के शरीर में ट्रांसमिट करने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए अपने बॉडी को मैंने कोशिश करी और मुझे अच्छी और मुझे दिखने लगा उसका फल और उसका सौंदर्यता मुझे दिखने लगा, क्योंकि शारीरिक गठन से आंगिक अभिनय करने के लिए सबसे पहला शरीर को डांस के योग्य बनाना, शरीर को मूवमेंट की योग्य बनाना। तो जितनी चीजें मैं करा रहा हूं ये सारे शरीर को डांस के योग्य बनाने के लिए होता। तो शुरुआत करते हैं हर विषय और हमारे टेक्निक में आगे चलकर उफली चलो चाली उफली खेल ये सब है। उसी उफली में से, उसी चाली में से, उसी गति में से कुछ कुछ गतियां चाली पदचारण उफली खेल ये सब इन नृत्यों के अंदर समावेश किया हुआ है और इन नृत्यों के अंदर समावेश करने से बच्चे वो सीख जा सकते हैं लेकिन नाम नहीं जानते। तो मैंने पहले नामकरण कर उसका नामकरण था पहले से उसका नाम बोलकर फिर किया, जैसे ये लोग जो निकलेंगे पैर में खड़ा हो इसको कहते हैं खंजन गति, खंजन पक्षी की, खंजन पक्षी ऐसे करता है चो अरे वन टू थ्री गो तीन ताकी तेरे खेते ये आधार। अब ये पद चालना का, क्योंकि पैर का जब मैं काम बताऊंगा तो पैर के काम में एक पद चालना आएगा वन टू थ्री गो चार गो तो इस
पोजीशन में आने के लिए, इस पोजीशन में रुकने के लिए आपको पैरों में स्ट्रेंथ चाहिए। अगर पैर में स्ट्रेंथ नहीं है, जो एक्सरसाइज हमने कराया है वो एक्सरसाइज अगर आप करेंगे तो यहाँ जितना देर चाहे हम सकते हैं, 1 2 3 गो ये जो पैर ये लोग करेंगे, ये हमारा जो उफली है उसको कहते एड़ी बाजा, रेड़ी बाजा।
1, 2, 1, 2, 3, go. शरीर खुलने के बाद जब हम काम करते हैं तो हमें इजी लगता है, इजी ढंग से नहीं कर पाता। जैसे अब मैं चीज दिखाता हूं कि हमने एक्सरसाइज को करने के बाद हमारे पैर में इतना स्ट्रेंथ आ गई है, या मन की शक्ति से मैं पैर को कितना दिन तक होल्ड करता हूं, और हर शरीर की हर अंग को एक अलग अलग ढंग से कैसे चला था। जैसे Thank you.
सिर्फ जूम का चौक में 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट चौक में बैठते हैं तो आपकी बॉडी आपके पैरों की स्ट्रेंथ 4 गुना बढ़ जाती है और इसमें सांस का भी है क्योंकि सांस को अटकाना रिलीज करना धीरे-धीरे सांस को अटकाना रिलीज करना जैसे पैरों की बैलेंस में अब बजा 1 2 1 2 3 गो हमेशा जितनी भी बैलेंस है और इन चीजों को जितना हम करते हैं इसको बार बार जब हम करते हैं प्रयास 10 बार 20 बार 30 बार तब जाके कहीं ना कहीं हमारे बॉडी में बैलेंस आती है। तो मुझे ऐसा लगा कि जब मैंने टीचिंग मेथोडोलॉजी पर रिसर्च किया और रिसर्च के दौरान उस रिसर्च के दौरान हर एक चीज मेरे बॉडी में मेरे अलग अलग अंगों में काम किया और उसी काम को मैंने एक एक स्टूडेंट के ऊपर अप्लाई किया और उस ढंग से काम किया जबकि धीरे धीरे शरीर और मन एकत्र होने लगा और मेरे अंदर की ऊर्जा मेरे मन तक जाके मेरा मन तक जाके उस मन को और शरीर को एकत्र कर बारीकी से देखा किस मूवमेंट में घुटने की काम है किस मूवमेंट में कमर की काम है किस मूवमेंट में चेस्ट की काम है किस मूवमेंट में शोल्डर की काम है किस मूवमेंट में गर्दन की काम है और उसके साथ पूरी शारीरिक व्यायामों की चक्र को धीरे धीरे अप्लाई करते हुए उस बच्चे को आता हूं मैं एक ही चीज देखिए सबसे पहली बात यह कि डांस 2 दिन की चीज नहीं या 2 बार की चीज नहीं है डांस को मैंने बोला कि साधक बन के साधना करना होता है तो साधक जो होता है वो एक बार नहीं करता है वो बार बार करता है उस बार बार में उसे मन शरीर सब मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ कि जब मन और शरीर गर्म हो जाती है एक्सरसाइज करने के बाद और एक्सरसाइज करने के बाद जब गर्म हो जाती है तो कितना अच्छा बैलेंस बनता है चले
साधक बनना पड़ेगा। ये साधक होते हैं, साधक बनना होता है, डांस को साधना पड़ता है और साधने के लिए परिश्रम करना पड़ता है। परिश्रम स्टूडेंट को करना बहुत जरूरी है। जब तक फिजिकल कोई काम नहीं करेगा, जिद नहीं बचेगा, तो मूवमेंट नहीं होने वाला, निकलेगा नहीं सेंस, जवाब नहीं देगा। ठीक इसी तरह जब डांस के मूवमेंट में हम करा ये जो पूरी बॉडी है, एक पैर में तोलने का एक्सरसाइज था कि किस ढंग से शरीर को तोले जाए। रुको, ये जो बैंड है, ये बैंड हमको एक्सरसाइज देगी। एक्सरसाइज ये बैंड करने का तरीका बताता है, क्योंकि हमारा पहले स्ट्रेंथ होता है एक्सरसाइज करने का। फिर आगे चलो, बहुत फायदा
हमको कर खाई ना काम करो खाई खाई दी तो देखा काम करो करो नहीं करते तो और की बोल रहा है ये नहीं खाई चलो करो रेडी 1 2 3 गो और सांस का कुंजी लोकर को आपने ले लो इस आटे बंद करो आरोप टेबल कोरा ट्यूशन में ठीक नहीं है आपको आपको कर बता हां जो ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को ये त्रिभुवन का है क्योंकि कृष्ण का है त्रिभुवन किस त्रिभुवन में आने के लिए आपको ये वाला मैं बताती हूं इसका मतलब कि इस पर है क्योंकि ये जो मजबूती है ये मजबूती हमें एक्सरसाइज देती है इसीलिए मेरे शिक्षा पद्धति में जो मैंने गुरुओं से लिया और गुरुओं से लेकर उनकी चीजों को समझकर उनकी चीजों को ए बी सी डी ई इसके रफ्तार पर रखकर एक के बाद दो के बाद तीन के बाद चार के पांच इन चीजों को मैंने क्रोनोलॉजी में बैठाया पहले खुद तैयार किया अपने आप को और फिर मेरे शरीर में जब बैठ गया तो मैंने बच्चों को सिखाना शुरू किया और बच्चों को सिखाते हुए देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि डांस के जोक की बॉडी को बनाने के लिए जितनी एक्सरसाइज में और भी एक्सरसाइजेज हैं और भी एक्सरसाइजेज हैं चार पांच जो मैं कराता हूं और उस एक्सरसाइज से उनकी बॉडी फ्री हो जाती है उनके अंग पट्टन और उपांग सब खुल जाते हैं खुलने के बाद उनके माइंड भी खुलता है मस्तिष्क भी क्योंकि जितना आप एक्सरसाइज करोगे उतना स्मरण शक्ति बढ़ेगी मेमोरी पावर आपको याद रहेगा आप भूलोगे नहीं जैसे आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया आगे बढ़ी है विज्ञान आगे बढ़ी है तो ऑनलाइन एडिटिंग करना पड़ता है पहले क्या होता था कि म्यूजिक लाइन लगती थी फिर भी हम कहाँ कट करना है कहाँ जाना है कर देते लेकिन अब इतना ब्रेन को तेज चलाना पड़ता है कि कहाँ मुझे एडिट करना है वो मुझे पता लगना चाहिए और उस पता से मैं उसको करता हूँ कि मेरा और मन बताता है कि अगर पैर यहाँ है तो मन वहां है अगर पैर यहाँ है तो मेरा बॉडी झुकेगा ये आपको करने की जरूरत नहीं है अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो बॉडी ऑटोमेटिक जाएगा ऑटोमेटिक आएगा ऑटोमेटिक कमर चलेगा पीछे की भी जरूरत नहीं पड़ेगी ऑटोमेटिकली हिप चलेगा तो पूरी चीजों को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि दोनों तरह की शिक्षा पद्धति को मिलाकर जब मैंने तैयार किया तो बच्चों को इंटरेस्ट भी लगा बच्चे अपने इंटरेस्ट से सीखने भी लगे और सबसे बड़ी चीज है कि बच्चे जब सीखने लगे तो सबसे पहले मेरा शिक्षा पद्धति में एक और चीज मैंने ऐड किया कि हर दिन उनको रिदमिक स्ट्रक्चर के बारे में बताना और रिदमिक स्ट्रक्चर सिखाना ये दो डांस हमने किया इसको मैं ताली मारकर ताल को इनको बताता हूँ ये ताली मारकर इनको बताए ये दिन दागिन कर ये दिन दागिन कर ये दिन दिन दार अच्छे ठीक है मैं पहले बताऊँगा 1 1 2 3 दिन दिन तो
बजाने के लिए सिखाते हैं कि सभी लोग ढोल बजाएं तो सभी लोग नगाड़ा बजाएं। अगर कोई ढोल बजाता है तो नगाड़ा बजाता है, उसको भी ढोल का वाणी याद होता है और नगाड़ा का बहुत अगर कभी नगाड़ा की वाणी याद आता है। एक पौधा बोलना नहीं कोई सीधा ऐसा ही बोले।
और दूसरा अगर देखो हमने कहा पिता की तरह करके जानी निकली वन टू थ्री गो हम करेंगे कि छाव नृत्य की अपनी टेक्निक क्या है निर्भर करता है और क्या क्या है। एक एक सेशन में एक एक पार्ट को मैं बताते जाऊंगा, एक एक चीजों को बताते जाऊंगा, क्योंकि छाव की जो मेन टेक्निक है उसे कहते हैं परिखंडा तलवार। आगे दूसरे सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि परिखंडा किसे कहते हैं और परिखंडा कितने प्रकार के होते हैं, उसमें किन किन चीजों की समावेश है और किन किन ढंग से हम इसको दिखाते हैं। मेरे साथ जो मेरे शिष्य के रूप में काम कर रहे हैं सुकांत कुमार आचार्य, जो यहाँ के सरायगढ़ चौकी कॉलेज सेंटर का सीनियर टीचर है, सतीश कुमार मोदक, जो हमारे इस केंद्र का नगाड़ा वादक है, बिस्मिल्लाह खान वाट, और मुखी तेरिस तीसरी चौथी पीढ़ी का हमारे यहाँ कौन वादक है, रंजीत कुमार आचार्य मेरे छोटा भाई है, सुकांत मेरा दूसरा भाई है, रंजीत कुमार आचार्य मेरा छोटा भाई है, और इस लड़का ये रेस्पॉन्सिबल पॉइंटर है बांसुरी का छाऊर, ये अपने पिता सुधांशु शेखर पांडे से था, इसका नाम है दिनेश कुमार पांडे, नया लड़का है, कोई बात नहीं है, प्रयास कर रहा है, प्रयत्न कर रहा है, स्टूडेंट है, एक ना एक दिन छोड़ अच्छा, मेरा उम्मीद है। नमस्कार।